ये जहाँ पे ये ऑटो नहीं खड़ी, इसके ऊपर देख रहे हो ये जो खंबा है भाई, अभी इधर ना शॉर्ट सर्किट हुआ है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जैसे ही मैं यहाँ से टर्न मार के इधर मेन रोड पे आया ना भाई, गॉड बॉम्ब ब्लास्ट सा हुआ। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, ऐसा किसी ने गोली वोली मारी किसी को, ये कैसा बॉम्ब ब्लास्ट है। फिर देखा चलो शॉर्ट सर्किट। मैं ना एक मैं तो बताऊँ, मेरा एक वो है कि ना मतलब मैं चाहता भी हूँ और मैं नहीं भी चाहता कि मैंने कभी आंखों के सामने बॉम्ब ब्लास्ट होते हुए देखा नहीं। देखो मैं जानता हूँ तुम लोग भी सोच रहे हो कि मास्टर ज्यादा इतनी अतरंगी फैंटेसीज मत रखो, वरना कभी सामने सामने हो जाती ना चीजें तो मामला खराब हो जाता। मैं जानता हूँ तुम लोग क्या सोच रहे हो, क्या फीलिंग होगी तुम्हारी, पर मेरी एक है ही है मतलब कि भाई मुझे कभी अपने सामने बिस्कियाँ होते हुए देखना है या फिर कभी बॉम्ब ब्लास्ट। मेरा को लगा कि यार मेरी तमन्ना पूरी हो गई, ये क्या हुआ। नहीं ऐसा भगवान ना करे ऐसे हो यार, पर चलो मजाक मस्ती बातें अपनी जगह है। सबसे मेन तो कैसे हो तुम लोग, क्या हाल चाल है। अरे भाई ये तो फ्लिप कर दिया मैंने अपने इंट्रो को, रुको लेट मी तो क्या हाल चाल है दोस्तों, कैसे हो तुम लोग, ऑल गुड। देखो जो अपना भाई है विवेक, मेरे जीवन में ना बहुत विवेक नाम के दोस्त है, पता नहीं क्यों यार। मैं अपने दोस्त यारों को बोलना चाहता हूँ जो अपकमिंग पेरेंट्स बनने वाले हैं कि भाई ऐसा नाम मत रखो बच्चे का जो उसके नाम के बहुत लड़के वैसे ही अवेलेबल हो जाए मार्केट में, वैसा नाम नहीं होना चाहिए, है ना। तो विवेक इतने सारे दोस्त है मेरे, तो उसमें से अगर तुम लोगों को मैं याद दिलाऊं तो ये वो वाला विवेक दोस्त है जो मेरे आकाश इंस्टीट्यूट वाले टाइम से दोस्त नहीं था, जो अमेजोन में इसकी जॉब लगी थी, हैदराबाद चला गया, तुम लोगों ने मिलवाया भी था यार, तुम लोग अगर याद हो तो। इसलिए बोलता हूँ सारे ब्लॉग्स देखा करो भाई की जिंदगी से, पूरा जुड़ जाओ कि यार मैं कुछ भी अगर तुम्हें बोलूँ तुम्हें याद आ जाए, है ना। 24 घंटे में से 10-15 मिनट तो निकाल सकते हो ना, इतना तो कोई बिजी है नहीं जीवन में। तो वो अभी दिल्ली आ रखा है, बोला कि भाई मिलते हैं कोई नहीं, मुझे फरीदाबाद जाना है ओमनी के अपडेट के लिए, तो क्यों ना तुम साथ में चलो, भाई को बस पिक करने आ रहे हैं हम। तो यार बस फरीदाबाद टोल अपना सराय टोल आने वाला है, एंड अपने साथ यहाँ पे विवेक भाई। मैं ऑडियंस से ये बोल रहा था कि यार मेरे जीवन में विवेक खत्म नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों यार। मैंने सजेशन दिए जितने अपकमिंग पेरेंट्स हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, ऑफकोर्स देखते हो नहीं देखते, हाँ सिर्फ बच्चे नहीं देखते, सब देखते हैं। तो कभी अपने बच्चों का नाम ना विवेक अभिषेक ये सब नहीं रखना, क्यों। बिल्कुल भाई, बहुत एक के बाद एक विवेक आए जा रहे तेरी लाइफ में। और अगर तुम्हें बच्चों की नाम जानने की क्या क्या रखना चाहिए अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें फिर मेरे से बच्चा भी नहीं कट। एक्चुअली क्या है, हम जब भी मिलते हैं ना हम काफी लाइफ से रिलेटेड बातें करते हैं, एंड इस मैंने पूछा कि हैदराबाद इसको कैसा लगा, क्या सीन है हैदराबाद का। अब मैं यहाँ पे वही बात बताऊंगा जो मुझे नहीं बतानी, ठीक है। वो बात ये है भाई, हैदराबाद की कौन सी दीवार में वो हिंदू को लेकर बात लिखी थी, जरा एक बार हो जाएगा यार। वहाँ पे थी एक दीवार ओल्ड हैदराबाद या कहीं एक था एरिया, हाँ वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था हिंदुओं के लिए पार्किंग नहीं है, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो ये देख के अंदर खून उबाल नहीं हुआ, हुआ था उबाल, पर भाई हम तो आईटी वाले हैं और रहना तुम्हें फिर उधर ही है, रहना उधर ही है। बिल्कुल बिल्कुल यार, एक्चुअली पता है क्या गलत है, तुझे पता है मैंने अपनी गाड़ी में सेक्युलर इंडियन लिखवा रखा है, है ना। हाँ मेरे को पता नहीं क्यों अभी भी यार लोग, अगर मैं अपनी असली वॉइस से बात करूँ, बहुत पतली वॉइस बात करूँ, असली नहीं फेक वॉइस बात, फेक हाँ ये तो असली थी। अगर मैं तुम लोगों से बोलूँ कि यार भाई मतलब कल मैंने भाई एक पोस्ट डाली इंस्टाग्राम में राजपूत को लेकर, है ना, मैंने ऐसी पोस्ट डाली उसमें लिख दिया कि भाई जय राजपूत आना बढ़िया एकदम। मेरे खुद के दोस्त का मुझे रिप्लाई आता, क्या ऐसा कुछ था, तुम कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हो ना कि अगर यही सब करना है तो हिंदुओं को प्रमोट कर, सेकुलर इंडियन कहाँ गया तेरा। मैं भाई अगर मैंने अपने राजपूताना कल्चर को लेकर थोड़ा सा ऐसे दिखा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं सेकुलर इंडियन नहीं रहा, और इसका मतलब ये हो गया कि मैं हिंदुओं को प्रमोट। अबे कैसी बात कर रहे हो यार भाई, इस बात को मैं ज्यादा दिखाना नहीं चाहता, ज्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि यार मेरे को पता है जिनको नहीं समझना ना, मैं जितना बोल लूँ नहीं समझेंगे, ठीक है। मेरे सेकुलर इंडियन लिखवाने से इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करता, मतलब बस ये कि मैं हिंदुओं से लेकर हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर सपोर्ट हिंदुओं को ही करता हूँ यार। और हिंदुओं के बाद तो मैं राजपूत हूँ ना, तुम भी अब जो भी कास्ट हो तुम अपने कास्ट का थोड़ा गर्व मानो, और क्या भाई विवेक तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है। प्राउड होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और ठीक है दूसरे रिलीजन का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट प्राउड तुम्हें अपने रिलीजन पे ही होना चाहिए। और इसमें ये नहीं होता, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि या तो तुम हिंदू हो तो हिंदू ही, या मुस्लिम हो तो मुस्लिम, यही तो नहीं समझ पा रहे लोग यार। बिल्कुल ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ी चीज है कि बस यही दो रास्ते हैं, इन्हीं दो में घुस जाओ। चलो भाई आप जरा बताओ विवेक जी, मेरे पढ़े लिखे दोस्त, कि सेकुलर इंडियन जो मैंने लिखवाया है, ठीक है दुनिया हिंदू लिखवाती है, मुझे हिंदू से भी कोई दिक्कत नहीं है लिखवाने से यार, पर ये मेरा अपना मोटिव है कि मैं ये मैसेज नहीं दे सकता कि सिर्फ हिंदू, समझ रहे हो ना, अपना ये है कि हर रिलीजन की रिस्पेक्ट यार, मतलब ऐसे है अपना नेचर ना, क्या कर सकते हैं यार। मैं गलत हूँ तुम्हारे लिए तो ठीक है, गलत है, लेकिन जो मुझे सही मानते हैं बहुत लोग हैं जो सही मानते हैं, बहुत लोग हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं सेकुलरिटी की, सेकुलरिटी छोड़ो यूनिटी की,
और यूनिटी छोड़ो, मैं तो चाहता हूँ अखंड भारत। असली यूनिटी तो वही है, अल्टीमेटली गोल तो वही। और तुम लोग भूल जाते हो मैं वही बंदा हूँ। मेरी स्टैंड अप कॉमेडी की तो फर्स्ट वीडियो थी ना, उसका टाइटल ही मुस्लिम्स था। मैंने सबसे ज्यादा जोक्स ही ना मुस्लिम के ऊपर मारे, ठीक है। अब तुम ये सोच रहे हो कि भाई ये तो बीइंग ह्यूमन वाली टेक्निक कर रहा है। हा? पहले बंदे उड़ा के फिर बोलते हैं नहीं बीइंग ह्यूमन ह्यूमन से। देखो एक्चुअली मैं क्या रिस्पेक्ट करता हूँ ना मैं हर किसी की यार, एक्चुअली बात ये है। दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करो बट प्राउड अपने रिलीजन पे हो, फॉलो अपने रिलीजन को अच्छे से करो, बट दूसरे रिलीजन की भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट तुम्हें कर लेनी चाहिए। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये होता है ओरिजिनल फाइबर जो भाई यूज करते हैं, एंड जो अपने लिए फाइबर आया है वो ये वाला है। भाई जरा इस फाइबर को बताओ, जरा इसको ऊपर करो, दिखाओ अच्छे से यार। तो ये बस इतना सही है, रोल है पूरा, ये रोल है। अच्छा, जितनी हमें जरूरत थी सिर्फ उतना मंगाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस फाइबर का बता दो, क्योंकि यार ये फाइबर आपने आज तक यूज नहीं किया कोई गाड़ी के लिए, है ना? नहीं, मैंने एक दो गाड़ियों में, रेस वाली गाड़ियों में यूज कराया है। अच्छा, ऑन स्पेशल ऑर्डर पे आता है ये? हाँ, ये स्पेशल ऑर्डर पे मंगाया। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि अपनी ओमनी के लिए स्पेशल इम्पोर्टेड फाइबर आया है। हाँ, कह सकते हैं। तो इस फाइबर का बता दो कौन सा फाइबर होता है ये? WR का फाइबर होता है ये, काफी अच्छा फाइबर होता है और ये अकेला नहीं लगता अपने आप में। अच्छा। इसके साथ और भी काफी चीजें लगानी पड़ती हैं, जैसे इसके साथ दूसरे वाला फाइबर भी जरूर लगाना पड़ता है, ठीक है, और ये भी होता है। तो इसकी मजबूती काफी अच्छी होती है। अलग क्या है, बस मजबूती है इसमें बहुत। हाँ, बहुत ज्यादा मजबूत। और आप बता रहे थे कि जैसे ये फटता है। हाँ, वो क्या होता है जैसे अगर मान लीजिए कोई चीज में लग गया तो फट जाता है। हाँ, ठीक है, बट ये और ज्यादा मजबूत होता है, फटता नहीं है पूरा, अलग नहीं होता कभी भी। अच्छा, और आप बोलते लेयर बाय लेयर, पहले लेयर वो, फिर लेयर ये, ऐसे। और जितना भी हम फाइबर का काम देख रहे हैं सब में दोनों का ये मिक्सचर होगा। देखो आपका जो साइड से है वो तो नॉर्मल फाइबर से है, जो ये लगे हुए हैं हमारा, बिल्कुल इसके पीस बनाए हुए हैं, ठीक है। जो हमारा जो खेल होता है वो फ्रंट का और बैक का होता है। अच्छा, ठीक है, तो हमने इसलिए ज्यादातर इन दोनों चीजों के लिए मंगाया, फ्रंट के लिए और बैक के लिए। अच्छा, मुझे बताओ फ्रंट का तो चलो ठीक है, बैक में हम करेंगे फाइबर काम या फिर क्या है? बैक में सोचते हैं क्या प्लानिंग बनती है। अब मैंने तो आपको यही कहा था ना कि फ्रंट में तो देखो बम्पर मैं यूज कर लूंगा लोहे वाला, पर क्या शायद आप लोहे के लिए बोल रहे थे। मैं सोच रहा हूँ बैक में लोहा यूज करना सही रहेगा या फिर फाइबर से इसको खेल कर दें। इंजीनियर पहले तो बताओ ओमनी कैसी लग रही है हमारी? बढ़िया लग रही है भाई, बढ़िया। कुछ अलग है, निखर के आ रही है, अलग आ रही है, मैंने तो नहीं देखी। तो ये हमने स्पेशली बुलवाया इनसे। मैं भी कंफ्यूज हूँ कि यार पीछे से भी मजबूती होना जरूरी है जी। पीछे से भी अगर थोड़ा सा मजबूत है मैटर तो सही रहता है। तो चलो ये तो हम देख लेंगे, मेन क्या है जो फाइबर है ये इसके लिए, ठीक है, बॉडी के लिए। अब जरा बता दो, ये मैं देख पा रहा हूँ आपने ये वाला काम तो कर ही दिया है, क्या है ये और कहाँ तक पहुँचा है काम? ये हमारा देखो ये साइड कंप्लीट हो गई फाइनल, हमारी पूरी प्रॉपर फिनिशिंग है। हाँ, शटर बटर का थोड़ा बहुत काम है, जैसा कि आपको पिछली बार आपने वीडियो में देखा था, ये सब दरवाजे वगैरह कुछ नहीं था, सब बंद थे। बिल्कुल, अभी फिलहाल ये हमारा सब एज इट इज है, देख सकते हो प्रॉपर, ठीक है। और उस साइड के लिए भी पीस वगैरह हमने बना लिए। हाँ, एक बार दिखा देते हैं उस तरफ के जो पीसेज हैं वो ये सब है, ठीक है, जो तुम देख रहे हो वहाँ पे ये फाइबर है। हाँ, ये फाइबर के पीस है, ये नॉर्मल फाइबर है। अच्छा, तो जो उधर काम हुआ है वो क्या है? वो डाई है, पीस है, वो फाइनल पीस है। तो जी, तो ऐसे ही मिलेगी मतलब गाड़ी अपने को, पेंट कराना होगा इसके बाद? ओके, तो मतलब फाइबर लग चुका है इसमें, बढ़िया। अच्छा, मुझे लगा ये फर्स्ट स्टेप है या सेकंड स्टेप, ऐसा कुछ। ये फाइनल पीस है हमारा। अरे बेहतरीन बेहतरीन। तो भाई मुझे तो लग रहा है अब ज्यादा टाइम बचा है कंप्लीट होने में। अब देखो मुझे बताओ फाइबर मंगा तो लिया है, यूज तो आएगा ना इसमें, या कहीं दूसरी गाड़ी के लिए मंगाया है? मेरी गाड़ी की वीडियो बस बता रहे हो कि आप तो पाले मंगा है। जब मैं बनाऊंगा ना इसको, इसको लगाऊंगा फाइबर, आपको वीडियो बना के मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि आप मुझे उस टाइप के कस्टमर लग रहे हो, इसको प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मेन डाउट देखो, मुझे पता है जितनी मेरी ऑडियंस है उन सबको भी डाउट यहाँ पे आ रहा होगा कि भाई ये जो पार्ट है इसका क्या करोगे आप? बहुत छोटी चीज़ है पर हमारी वार्तालाप हुई है अभी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा, तो भाई जरा अपना आइडिया बताओ हम क्या सोच रहे हैं। ये देखो आइडिया इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही, देखते हैं बाकी कंप्लीट करते हैं इसे एक बार, उसके बाद सोचेंगे इसको बम्पर को हटाने के बाद। जैसे हम अभी सोचे बम्पर इसका नीचे वाला हटने के बाद इस जो पार्ट को थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, और फिर हम नीचे से एक थोड़ी सी स्कर्टिंग है ना, थोड़ा स्कर्टिंग उसको अटैच करेंगे। बाकी मुझे लगता है कि हाँ, अगर हमने इस पार्ट को थोड़ा सा नीचे करके कर दिया ना, वो भी कर सकते हैं। हाँ, तो उससे थोड़ा सही तो रहेगा, क्योंकि अब मेन तो ये भी है कि यार मैं भाई को बोल रहा था, भाई ने बम्पर बना रखा है ना, तुम देख सकते हो, तो हमारा डाउट ये भी हो रहा है कि हम बम्पर लोहे का सोच रहे बनवाने की, लेकिन हम इसको भी रखने वाले हैं ऐसे कि यार देखो ये भी हमारे बम्पर वाले लुक देगा, बट इसके आगे भी हम एक बम्पर टाइप में कुछ भी मतलब नॉर्मल सा हम इसके आगे लगा सकते हैं, या तो कुछ ऐसा भी तो कर सकते हैं यार।
अगर आप बढ़िया फाइबर यूज कर ही रहे हो तो हम इन बम्पर के ऊपर रोल केज टाइप का लगा दें, अगर वो भी कर सकते, वो भी तो मजबूती दे ही रहा है। रोल केज टाइप लगा सकते हैं। ये तुम लोग जरा बताओ, जितने लोगों को पता है रोल केज वगैरह सिस्टम, ठीक है, रोल केज बेसिकली गाड़ी को बाहर से जैसे रैलीज में यूज होता है, रोल केज है ना, रोल केज क्यों होता है जरा बता दो, जितना आपने काम किया है। वो रैलीज वगैरह में गाड़ियां चलती हैं, बहुत सी बार ऐसा होता है कि गाड़ी पलट भी जाती है, बिल्कुल, तो पूरे बंदे की सेफ्टी के लिए होता है, पूरी गाड़ी की, गाड़ी की सेफ्टी और बंदे की सेफ्टी के लिए, तो कुछ वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा कि यार अगर ऐसी बात है, पीछे का भी बंपर बना दो फिर, कोई नहीं पीछे का बना लेते हैं, पीछे में फिर डिजाइनिंग क्या ही करना, अपने हिसाब से जैसे वो हो रखा है वो बंपर, उसमें ही थोड़ा सा खेल जाओ, थोड़ा नहीं खेला जाता फिर, तो पूरा खेलना पड़ेगा। एक तो ये होता है कि भाई बंदे की डिमांड होती है कि मुझे ऐसी चाहिए, एक ही होता है कि भाई अपने हिसाब से आप खेल लो थोड़ा सा, फिर थोड़ा नहीं खेला जाता, फिर जब क्या करोगे इसमें फिर, चलो बताओ भैया, कुछ नहीं कह सकते अभी, फिर करते टाइम देखना पड़ेगा कि थोड़ा थोड़ा के चक्कर में, जैसे कि हमारा आगे था, आपने आगे कुछ बताया था, थोड़ा सिंपल सा नॉर्मल सही था, कोई इतना वो नहीं था, बट जब करने बैठते हैं ना बंदा अपने एंड पे काम करता है, तो बंदा ये सोचता है कि भाई अब जहाँ इतना होगा थोड़ा और सही कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो करते करते पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तुम्हारे हिसाब से बंपर अगर पीछे करे, इसमें टाइम तो देखो मैं समझ रहा हूँ डिजाइनिंग में जाता है मेन, बनने के बाद तो चलो हो जाएगा डिजाइनिंग, तो फिर नॉर्मल जैसे बम्पर है वही डिजाइन रखते हैं इसके स्टार्टिंग की, तो ये मूछ टाइप का नहीं होता, यहाँ रख के स्पेस नीचे एग्जॉस्ट की दे देंगे, अगर मन करे एग्जॉस्ट नीचे से या साइड से निकाल देंगे, कुछ ऐसा रख देंगे, फिर ऐसा कर सकते हैं जी वैगन टाइप में, कैसे साइड में से एग्जॉस्ट, नहीं एग्जॉस्ट साइड में आएगा जैसे जी वैगन वगैरह में बम्पर आता है पीछे का, कुछ इस तरीके से, मतलब वो नॉर्मल ही है, ज्यादा कुछ अलग नहीं आता, वैसे ही सोच रहा ना फिर। हाँ जी, हाँ जी, तो तुम लोगों ने थंबनेल देखा ना वीडियो का, वो जस्ट मैंने अभी लिया है, एंड मैं बता रहा हूँ मैंने पकड़ा था पूरे रोल को ऐसे, भाई यहाँ पे ना जरा पास से दिखाओ, ये पूरा यहाँ पे फाइबर ही फाइबर लग गया है, थोड़ा थोड़ा फाइबर की रेशा जो होती है, एंड ना काफी खुजली दे रहा है यार, विवेक को भी काफी खुजली पहले से ही हो रही थी, इसने खुद बोला कि अच्छा खुजली क्यों हो रही है, मैं मुझे भी हो रही है, जरा पूछते हैं भाई खुजली क्या चीज है, सभी फाइबर से हो जाती है, तो यार ये तो मुझे जैसे पता नहीं था, तो अपने मतलब बेवकूफ बन गया उठा के, आपको पता लग गया आगे से ध्यान रखोगे ना, अच्छा आगे से ध्यान रखूंगा, तो सीख मिल गई मुझे। हाँ, यार इसका कुछ उपाय बताओ, ये बहुत चुभ रहा है मुझे यार सच में, देखो इसमें अगर ये टी शर्ट है इसमें पार हो गया तो लगेगी, पार हो गया हाँ, तो फिर या तो मिला लिए या नहा के तेल वगैरह लगा लेना कुछ उसके बाद, अच्छा मतलब पहला तो बात ये कि पहले तुम्हें नहाना पड़ेगा, पहले तो ये हो गई बहुत कठिनाई वाले काम, ठीक है, दूसरा नहाने के बाद सरसों का तेल लगाना होगा, मेरा सबसे मन कर रहा है टी शर्ट में उतार दूँ अपनी, भाई मेरा मन कर रहा है टी शर्ट उतार दूँ मैं अभी सच में, हाँ इतनी खुजली हो रही है क्या करें यार, देखो ये पूरा अंदर तक घुस गया ये, अब कुछ लोग बोलेंगे पैसा हो तो ऐसा हो कि फाइबर क्या चुभ रहा है, तो टी शर्ट ही चेंज कर ली, एक्चुअल में क्या है भाई अगर तुम्हें तुम्हारे कभी फाइबर लगे ना तो तुम लोग भी समझ पाओगे भाई कितना मुश्किल हुआ है, खुजली और लग रहा है तो बहुत टिकलिंग सेंसेशन जो होती है ना वैसा हो रहा है, तो मैंने ये वाली टी शर्ट ली है क्राउन प्लाजा है सेक्टर 15 का, एंड मैं बता देता हूँ ये इंटरनेशनल का डबल एक्सेल है और इधर का 4XL है, जो मेरे को आ रहा भाई पहला ऐसी बात नहीं है, काफ़ी ढीला तो है, सही है बढ़िया लगता है, जिम वगैरह करके आ गए हैं हम, ठीक है, और सबसे मेन विवेक को मैंने छोड़ दिया था, फिर वापस आया उसको लेने, नानी घर आया था ना यहाँ पे, तो अब वो अपनी बाइक से आ रहा है, उसकी नई बाइक भी दिखाऊंगा तुम्हें, नई बाइक ली लाडले ने, एंड बाइक ली तो वैसे अपने लिए ली बोलने के लिए, लेकिन वैसे छोटे भाई के लिए देखी है, खुद तो हैदराबाद रहता है ना तुम जानते ही हो, तो चलो उसको आन दो फिर उसको घर ले चलते हैं, एवं मम्मी से मिला दो, क्योंकि मम्मी से बहुत साल पहले मिला था, तुम लोगों को तो याद भी नहीं, पता भी नहीं होगा, याद भी गया, तुम लोगों ने बताया भी नहीं होगा कि तब मैं व्लॉगिंग करता नहीं था, मेरे स्कूल में कार्निवल था, मेरा लास्ट कार्निवल जब मैं 12th क्लास में था, तब मैंने स्टेज पे सिंगिंग करी थी, यस गाइस मैं बोलता हूँ तुम लोगों को आई एम अ प्रोफेशनल सिंगर, और दो बंदों ने उस प्रतियोगिता में पार्ट लिया था जिसमें से मैं गोल्ड अगला सिल्वर, ऑफ कोर्स मेडल पक्का था गाइस, किसी हर किसी का मेडल पक्का ही था, अपनी प्रतियोगिता होती है ऐसी गाइस कार्निवल में ना, एक्चुअल में क्या बहुत हिम्मत वाला काम होता है ना, आप डांस वगैरह ग्रुप में कर लोगे स्टेज पे, पर सिंगिंग अकेले खड़े होके कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, तो ऐसे हमने एक बार ग्रुप सिंगिंग में भी मैंने गोल्ड लिया हुआ है, इसमें ग्रुप सिंगिंग करी थी हमने, तो सिंगिंग का थोड़ा सा मैटर रहा है अपना स्टार्टिंग से यार, तुम लोग ही नहीं समझते बस ना कि सिंगिंग वगैरह ऑफ कोर्स बहुत लोग हैं जो अपनी मास्टर दादा की पब्लिक है वो तो देखो मानती है कि हाँ आए हैं मैं सिंगर, पर कुछ लोग होते हैं है ना वो वाली बात है, कोई नहीं उनको भी प्रूफ कर देंगे, जल्दी मुंबई आना है गाइस, तू मुंबई आएगा, मैं ये पीछा कौन कर रहा है मेरा, ये तब से देख रहा हूँ यार 2 किलोमीटर हो गए, हाँ ये देख रहे हो अपना भाई है, करने दो पीछा कोई नहीं,
घर तक ही आ रहा है, जोक नहीं बन पाया गाइस, जोक नहीं बन पाया, कुछ सोचा तो बनाऊ मैं, वो पीछा कौन कर रहा है, हेटर है क्या, वो अपना भाई है। ये देखो भाई, भाई के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर देना, ये वो बाइक है जो अगले ने ली है, हंटर 350। कैसी बाइक है जरा बताना, वैसे रॉयल एनफील्ड की भाई कोई सी बाइक आ जाए, बंदे यही बोलते हैं अरे अपने पास तो बुलेट है, मैं उसको समझाना पड़ा था तुम्हारा ना, प्रूफ में बोलता था बुलेट अपनी मैं, तेरी हंटर है बुलेट अपने पास है, ठीक है चलो तो मम्मी से बुलाते हैं। बातें करो, याद है तेरे को बहुत पहले आया था एक बार गिटार वगैरह लेके, वीडियो में बहुत कम देखा होगा मम्मी, तो आकाश का दोस्त है ये, आकाश इंस्टीट्यूट वाला दोस्त, एक बार जो कपड़े दिलाए थे ये दोस्त थे ना, अच्छा आपने देखा था वो वीडियो, आई थी ना वीडियो देख, इसको लग रहा है वीडियो नहीं आई आज तक, वीडियो के लिए दिलाया था ना इसने, क्योंकि ना इसका वो जॉब लगी थी उस वजह से, उस वजह मेरी पहली जॉब लगी थी ना, बहुत पुराना दोस्त है, 8th क्लास आकाश इंस्टीट्यूट, याद है मुझे, याद है, चल तो था छोड़ने आ रहा उसको, ठीक है बाहर तो थोड़ा, तो कहां ने कहां आया था छोड़ने जा, बाइक से आया थोड़ा ऐसे ही, थोड़ा टहलूंगा फिर छोड़ दूंगा, ठीक है फिर पैकिंग भी करनी आके यार, जल्दी आना, मैंने यार अभी तक कुछ ना पैकिंग करी है ना कुछ यार, टाइम देख लो 12 बजने वाले हैं, अभी जस्ट वेक को छोड़ के आया हूँ मैं, ये देखो बेहतरीन से पनीर सब्जी रोटी, खाना बढ़िया से खाता हूँ, ठीक है पहले थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं कुछ हल्का वल्का यूट्यूब वगैरह देख के, फिर एक छोटी झपकी, पर वो ये ब्रिटल लग रहा है कि भाई मेरी झपकी कहीं इतनी लंबी ना हो जाए कि 5-6 बज जाए फ्लाइट छूट, नहीं 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 वैसे वो बदनाम घर पे आएगी मेरी फ्लाइट्स बहुत छूटते हो, नहीं यार ये नहीं है, नहीं तो फटाफट से सब कुछ अपने करते हैं, तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है नेक्स्ट ब्लॉग ये शुरुआत होगा, पर जहाँ हम जा रहे हैं ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में बात करते हैं, ठीक है पूरा भी नहीं बात करेंगे, एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है ना यार, चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठटून सैंग भाई टवल जो है, तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, साइनिंग आउट।